इस W में क्या पता चलता है? जब कोई भी इंसान इस तरह का W बनाता है तो यहाँ पे जैसे ही वो अंदर की तरफ जाना चालू कर देता है तो दिस टॉक्स अबाउट टू अनलीश द लाइफ बिजनेस एंड फाइनेंसेस। इस W में क्या पता चलता है? यहाँ पे ये इंसान जनरली दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट, राइट, दिस इज द वे यू वांट टू राइट, बट आफ्टर रीचिंग टू दिस पॉइंट ही वांट्स टू गो बैक। अब एज वी स्पोक अर्लियर, डब्ल्यू इज ऑल अबाउट योर मदर, सो नाउ व्हेन ही गोज बैक टू द मदर, हियर देयर इज अ मदर एट द सेंटर, सो व्हेन ही गोज बैक टू द मदर, मदर आस्क हिम टू गो अवे एंड सो दिस इज अ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मदर के पास में आया और मदर ने उसको दूर भेजा, जैसे ही मदर ने दूर भेजा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये अपर जोन में दूर गया, मतलब ये व्यक्ति कुछ तो भी नया अपर जोन की चीजें सीखने के लिए डिटरमाइंड हो गया, क्योंकि मदर से पुश मिला है, मदर हैज फोर्स, मदर हैज एनकरेज दिस पर्सन टू लर्न समथिंग न्यू। तो ये ऐसे लोग काफी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या काफी सारी ऐसी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होने की संभावना बढ़ जाती है। सो ये W में क्या होता है मैं बता देता हूँ, व्हाट इज दिस W? आप लोगों को ये M पता है, ये दिखाता है कंफ्यूजन, ठीक है? अगर ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है तो ये भी तो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस हो गया ना, यहाँ पे भी तो कंफ्यूजन आ गया ना, कंफ्यूजन रिगार्डिंग इमोशंस, राइट, कंफ्यूजन रिगार्डिंग एक्शन, ये कंफ्यूजन रिगार्डिंग इमोशंस। तो ये व्यक्ति लोगों की भावनाओं को समझने में कंफ्यूज रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ही लव्स मी और ही लव्स मी नॉट, वो का चक्कर है। आर गेटिंग इट? ये W और ये W, इसमें क्या फर्क हो जाएगा फिर? ये ओवर एनालाइज नहीं करेगा, लड़कियों को ओवर एनालाइज करोगे लड़कियां भाग जाएगी, ठीक है? तो लड़कियों को प्यार चाहिए, उनको एनालिसिस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये ओवर एनालिसिस जो है, यहाँ पे ओवर एनालिसिस होगा और यहाँ पे ओवर एनालिसिस नहीं होगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगी एनालिसिस, ठीक है? यहाँ पे उस इमोशंस का एनालिसिस जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि उसका डेप्थ बढ़ जाता है, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू द एनालिसिस। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे लूप राइट हैंड साइड की तरफ बन रहा है और वही लूप अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बने तो फर्स्ट क्या आएगा? स्टार्टिंग स्ट्रोक, पहला जो चीज है वो स्टार्टिंग स्ट्रोक आ जाएगा, राइट, दिस विल बी द स्टार्टिंग स्ट्रोक। मतलब इसको किसी भी इमोशंस को लेके कुछ काम करना है, कुछ बातचीत करनी है तो वो डिले हो जाएगा। लेडीज से बात करना ऐसा व्यक्ति डिले कर देगा, इमोशंस के बारे में बात करना ये व्यक्ति डिले कर देगा। आर यू गेटिंग इट? ये डिले दर्शाता है इमोशंस को लेके, साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आइडियाज आ जाती है, लूप हो गया ना, तो लूप आइडियाज बताता है। तो किसी भी लेडी से कैसे बात करना है, किसी भी इमोशंस के बारे में किस तरह से शुरुआत करना है उसके बारे में इंसान क्रिएटिव हो जाता है। अब हमने इसमें इस तरह का भी डी देखा हुआ है, डब्ल्यू देखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि ये डब्ल्यू जो है वो वुमन के बारे में, मदर के बारे में है। तो क्या होता है जब कोई भी इंसान इस तरह का डब्ल्यू बनाता है तो यहाँ पे जैसे ही वो अंदर की तरफ जाना चालू कर देता है तो दिस टॉक्स अबाउट दिस पर्सन बींग क्लोज टू द मदर, क्लोज टूवर्ड्स मदर, द पर्सन हु वॉन्ट्स टू गेट क्लोजनेस विद द मदर, जो मदर के साथ रहना चाहता है, मदर के पास जाना चाहता है, मदर के साथ क्लोजनेस जो चाहता है वो इस तरह का डब्ल्यू होता है।